जी सर, क्या हाल चाल है? जी। अच्छा राना अब्दुल्ला साहब, आप सबसे पहले मेरे नाज़रीन को अपने काम के हवाले से अपना पहले तारुफ कराएं, फिर अपने काम के हवाले से बताएं। जी सर। जी, मेरा नाम तारुफ के हवाले से पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ प्रोफेसर जलील भट्ट साहब के आप यहाँ हमारे पास तशरीफ़ लाए। मेरा नाम राना मोहम्मद अब्दुल्ला है और मैं जो है वो एक निजी इदारे में प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे काम कर रहा हूँ। उसके साथ साथ जो है वो मैं अपना बिजनेस भी कर रहा हूँ यहाँ पे गांव में, और ये जो है वो अनचले जो है वो कपड़े हैं, जनाना मर्दाना ब्रांड्स, बचगाना गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, काफ़ी चीज़ें जो है वो हमने यहाँ पे अपने गांव के लोगों के लिए जो है वो रखी हुई हैं। सर थोड़ा थोड़ा मेरे नाज़रीन के लिए बताइए कि सबसे पहले गांव की लोकेशन बताएं कि ये कहाँ पे है, सहीवाल में किस जगह पे है। जी, ये जो गांव है चेक नंबर 79-5R, ये तारक में ज़ियाद कॉलोनी, साहिवाल से निकलें तो 82-6R गांव आता है, 82-6R से आगे 81-5R और 82 उससे आगे जो है वो ये कोई 3-4 किलोमीटर के फासले पे साहिवाल से ये मौजूद है। और यहाँ पे जो है वो बहुत बड़ा गांव है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आबादी है और यहाँ पे बच्चियों और बच्चों के स्कूल्स मौजूद हैं और बाकी भी काफ़ी बिजनेस जो है वो गांव की सतह पे होता है। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए गांव की आबादी को और लोगों के मयार ज़िंदगी को तो हमने जो है वो ये बिज़नेस शुरू किया। चलिए सर, आपके बिज़नेस पे बात करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जी आपकी, वैसे तो मैं एक झलक अपने नाज़रीन को दिखाता हूँ कि यहाँ पर बहुत कुछ है। अब सबकी डिटेल में जब जाएंगे तो बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि ब्रीफली हमें कहाँ से सर स्टार्ट कर रहे हैं हम। जी, ये जी कुछ गारमेंट्स हैं बच्चों के, ये फैंसी, ये कुछ लेडीज स्टिच शर्ट्स हैं, उसके अलावा ये बच्चों के जो है वो गारमेंट्स हैं, ये फैंसी क्रॉप्स हैं, इसके अलावा ये भी बच्चों के गारमेंट्स हैं। अच्छा जी सर, इसके साथ साथ यहाँ पे हैं तो ये कुछ लॉन के 2-3 पीस अनस्टिच सूट हैं ब्रांड्स के, ये यहाँ पे जराबें बनाने ये चीज़ें भी मिल जाती हैं, बटन वगैरह। और इसके साथ साथ जो है ये 2-3 पीस जो है वो लॉन के ब्रांड्स के सूट मौजूद हैं हमारे पास। हमारे पास खाडी ब्रांड है, बिन सईद है, सफ़ायर है, इत्तेहाद है, मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड्स मौजूद हैं। ये 3 पीस जो है वो कढ़ाई वाले सूट मौजूद हैं, ये इत्तेहाद के जो है वो ओरिजिनल ब्रांड्स हम लोग यहाँ पे सेल करते हैं। इसके साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के और ब्रांड्स जो हैं वो हम लोग यहाँ पे लॉन के सूट सेल करते हैं, जिसमें लॉन दुपट्टे के साथ शिफॉन सर। इसकी कीमतों का तयन जो है वो शहर के मार्केट के होता है, आप उसको कुछ डिस्काउंट करके देते हैं? जी, इसमें हम लोग जो है वो बहुत कम कीमत के ऊपर जो है वो यहाँ पे सेल करते हैं, क्योंकि हमारा जो है वो शहर के दुकानदारों की तरह इस तरह से खर्चा नहीं होता, ना हमारा कोई इतने बड़े बिजली के बिल है, ना कोई दुकान का इंसेंटिव अपने ना मुलाजमों की तनख्वाह है, तो हम लोग जो है वो 100-200 रुपये मार्जिन पे भी चीज़ें। सर आपकी सारे बिजनेस में सपोर्ट कौन करता है आपको? आपके अलहमदिल्ला मेरी वाइफ जो है वो भी सपोर्ट करती हैं, और जब मैं मौजूद नहीं होता तो मोहल्ले की खवातीन जो है वो घर से आके भी शॉपिंग कर लेती हैं और मैं शाम को जो है वो टाइम देता हूँ। तो ये सर ऊपर दरा ऊपर ये चादरें मौजूद हैं, ये बहुत ही ये कढ़ाई वाली चादरें जो हैं, ये गर्मियों के इस्तेमाल की और सर्दियों के इस्तेमाल की मुख्तलिफ़ किस्म की ये भी होती हैं मौजूद होती हैं। इसके अलावा जो है ये मर्दाना काटन के सूट हैं, ये इसके अलावा ये जो है वो कुछ ये जरा पूरा दिखाइए वाले खूबसूरत। अच्छा जी सर, हाँ जी, ये सूट होते हैं जी। जी सर, ये जो है यहाँ से बॉस्की भी मिल जाती है हमारे पास। इसके अलावा ये जे डॉट के ब्रांड के जो है वो मर्दाना सूट ये भी मौजूद हैं। तो ये जब मार्केट में लेते जाएंगे तो उस रेट से कम में मिलेंगे आप? जी जी, बहुत कम सर। यही चीज़ जो है वो आप अगर मार्केट से लेंगे तो आपको कम से कम वहाँ से जो है वो 500-400 रुपए महंगी वहाँ से मिलेगी, और यहाँ पे हम लोग जो है वो इतना मार्जिन वो जो सहूलत है वो कस्टमर को देते हैं। ये मर्दाना सारे सूट पड़े हुए हैं, ये जो है वो लेडीज़ के बच्चों के मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो गारमेंट्स जो हैं ये आप यहाँ पे बहुत ही मुनासिब कीमत पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, यहाँ परफ्यूम है, शैम्पू है, इसमें सब चीज़ें लेडीज के लिए, तो मर्दों के लिए भी कुछ रखा आपने? ये मर्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं परफ्यूम, शैम्पू, क्रीमें, आजकल तो ज़्यादा क्रीमें मर्द इस्तेमाल करते हैं खवातीन से भी। अच्छा। तो ये गोल्डन पर्ल क्रीम जो है, फेस ग्लो है, इसके अलावा बाकी काफी आइटम जो है वो हम लोग। सर आप ये गारंटी कैसे देंगे ये चीज़ें ओरिजिनल है वगैरह? इस पे आपकी गारंटी है कि ये चीज़ें जो है वो उसी तरह ही है जो एक ब्रांड वाले देते हैं?
जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे ब्रांड्स हैं ओरिजिनल, इसकी गारंटी तो हम खुद हैं, मोहल्ले में बैठे हुए हैं, और अगर किसी चीज़ की छोटी सी भी कोई कंप्लेंट आती है तो हमारा बिजनेस स्टेक पे होता है, तो हम लोग इसलिए किसी ऐसी चीज़ को यहाँ पे रिस्क ही नहीं लेते कि हम लोग अपना बिजनेस ख़राब करें। तो बहुत से लोग अगर कोई क्लेम आता है तो फौरी तौर पर हमें उसको रिप्लेस करना पड़ता है, इसलिए हम लोग जो है वो लो क्वालिटी कोई चीज़ यहाँ पर नहीं रखते, जिसकी वजह से हमारा जो है वो बिज़नेस। आपका ख्याल कैसे है इस कारोबार का, कहाँ से आइडिया आया? जी काफ़ी अरसे से वैसे तो मेरा प्लान था कि कोई बिज़नेस साथ में शुरू किया जाए कि पार्ट टाइम कर लें या फुल टाइम कर लें ताकि लोगों को सहूलत मिल सके, और जब ये ख़ास तौर पे कोविड का सिलसिला शुरू हुआ 2020 में तो लोगों के लिए काफ़ी परेशानी का बाइस था कि वो बाज़ार में जाते थे, दुकानें बंद होती थी। कब शुरू किया आपने? मैंने 2022 में शुरू किया, 2020 में शुरू किया सॉरी काम, और 2020 में कोविड में बाज़ार में लॉकडाउन वगैरह होता था और बहुत से लोगों को यहाँ से फिर वो सहूलत मिलती थी, तो अपने इलाके के लोगों यानी बिजनेस के साथ खिदमत भी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ज़्यादा जज्बा तो यही है कि लोगों को कम कीमत पे, और बाद का ऐसे भी होता है कि कोई अगर किसी तौर पे पूरे पैसे नहीं दे सकता तो उनको भी हम सपोर्ट करते हैं कि चलें वो अगर बाद में दे दे, कुछ दिनों बाद दे दे, तो ये हमारी तरफ से एक किस्म की। कोई पैगाम देना चाहें कस्टमर को, जो जहाँ तक ये वीडियो जाए लोगों तक, कोई ना कोई ख़ास पैगाम? बाकी दुकानदारों के लिए यही पैगाम होगा कि वो भी इसी खिदमत के जज्बे को मद्देनज़र रखते हुए जो है अपना मुनाफा मुनासिब रखें, ताकि लोगों को जो है वो मुनासिब कीमत में म्यारी चीज़ें जो है वो मिल सकें, और बाकी अपने जो कस्टमर्स हैं उनके लिए यही पैगाम होगा कि वो एक दफ़ा ज़रूर आके देखें, देख के म्यार चेक करें इसका, और इसके हमारे जो है वो प्राइसेस चेक करें, इंशाल्लाह आपको जो है वो कहीं पूरे पाकिस्तान में ये वाली जो म्यार की चीज़ें हैं इस रेट में कहीं नहीं मिलेंगी, वो चेक कर सकते हैं इसका। जी सर, एक आखिरी बात जो है वो ये है कि अक्सर लोग पढ़े लिखे बेरोज़गार हैं, नौकरियां नहीं मिलती, घर वाले परेशान हैं, ऐसे नौजवानों को भी आप कोई ऐसी बताएं कि जी अगर आप जैसा बंदा ये कर सकता है, इस पे क्या आपकी राय है, जो ख़वातीन बच्चियां बच्चे जो पढ़ लिख के घरों में फर्क बैठे हैं क्या? जी इसके हवाले से बिल्कुल मैं अक्सर अपने दोस्तों को ये जो है मशवरा देता हूँ कि वो स्टेप लें, रिस्क लें। मैं भी पहले शुरू शुरू में थोड़ा इसका खौफ था, फियर था कि ये इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा कहाँ से आएगी, और एक्सपीरियंस ये वो, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं वक्त के साथ साथ, आपको कोई स्टेप लें इसका छोटी इन्वेस्ट। मैंने 35,000 से शुरू किया था सर। अच्छा अच्छा, कोई मैंने 10 लाख से शुरू नहीं किया था, 35,000 की थोड़ी। अच्छा, लोग ये भी रोते हैं जी पैसे नहीं है, पैसा नहीं, थोड़ी रकम से। मैं उसके लिए मिसाल हूँ कि मैंने 35,000 से शुरू किया, चंद एक सूट आए, वो बेच के फिर और आए, फिर और आए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह शायद ये 10 लाख से भी ज़्यादा का जो है वो सामान आपको नज़र आ रहा है मेरी दुकान में पड़ा हुआ है। इसमें शुक्र अल्लाह का करते हैं जो बेगम का करते हैं जो जी, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इसमें से बहुत मेहरबानी फरमाई और इसमें से रिस्क भी दिया, और जो है वो उमरा करने के लिए हमने इसमें से सेविंग की, और अल्लाह ताला ने उमरा की जो सआदत वो हासिल की। अभी पिछले महीने में उमरा करके आया हूँ, इसके अलावा भी अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, और मैं अपनी बेगम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो भी इसमें टाइम देती है, सपोर्ट करती है। और मेरा जो कहते हैं कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो ये तो सच साबित हो गया। जी बिल्कुल, इसके पीछे कोई दो राय नहीं है कि उनकी सपोर्ट और उनके हौसले और उनकी कोशिश के बगैर शायद मैं इस तरह से कामयाबी के साथ ये नहीं चला सकता था, तो मैं उनका इसमें ज़रूर शुक्रिया। चलिए सर, बहुत शुक्रिया जी, मैं आपकी ये पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे पहुँचाता हूँ, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।